Come. बताया जा रहा है 2000 से ऊपर जो है यहाँ आर्मी आए हुए हैं, इससे बहुत बड़ा जो है उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है इस दिन पे। तो क्या कहेंगे आप, कितना इमोशनल है? श्रद्धांजलि तो देना चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बीच में छाऊ उम्र था, उनका कुछ एक्सीडेंट से हादसा हुआ, इसलिए बड़ा दुख है हम सब कि इनको आखिरी विदा देने के लिए यहाँ बहुत सारे इंडियन आर्मी आए हुए हैं, इसलिए हम आप सब मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसमें आज बड़ा दुख का घड़ी है, दुख का दिन है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर उनके एक्सीडेंट से जो है ना, हमें बहुत दुखी हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि 2000 से ऊपर जो है यहाँ पे आर्मी है और बहुत बड़ा जो है आज उनको इस दिन पे श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है लद्दाख के लिए भी। और खुद आर्मी जो इतना चैलेंजेस के साथ जो है कंट्री के लिए सर्व करते हैं, आखिरी दिन में भी उनको इतना इज्जत दिया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सुविधा मेजर छवम रूप अभी 1 मार्च को उसको प्रमोशन लगाया गया, वो एडेन बटालियन का सुविधा मेजर का टैग ओवर किया, एक मिनट के अंदर रोड एक्सीडेंट में वो शहीद हुआ। खुद तो वीर चक्र है करगिल वॉर का, साथ में उसका पिताजी अशोक चक्र है। ये हम बहुत फक्र के साथ एक इंडियन आर्मी में पिताजी अशोक चक्र, बेटा वीर चक्र, तो इधर एडेन बटालियन के SM का कमांड संभाला, पूरा लद्दाख की सारा बहुत खुश थे। अचानक एक्सीडेंट हो गया, उसके शहीद होने पर बहुत अफसोस हुआ, पूरा लद्दाख बल्कि पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने से उनके दुख के साथ सभी अफजाई कर रहा था। आज यहाँ पे पूरा इंडियन आर्मी के तकरीबन हजारों के जवान यहाँ पे आए हुए, अफसर आया हुआ है, सारा आया हुआ है उसका अंतिम संस्कार के लिए। तो हम लोग भी, हम साथ थे 99 के लड़ाई में, मैं भी वीर चक्र हूँ, करगिल वार में था, करगिल वार में वो लड़ते हुए एक ऐसा बहादुर जवान हमारे बीच में ना रहा, ये बहुत हमें दुख है। आज उनके परिवार से हम प्रार्थना करते हैं, उनको आत्मा को उनके शांति दे और परिवार को सुख शांति दे। जी, आप कितना बड़ा लॉस समझते हैं? जो कि हमारा लद्दाख का एक बहादुर सिपाही जो
देश के लिए वो उसने बहुत ही खतरनाक इलाके में उसने पाकिस्तानी 10 जवानों को उसने मार गिराया था, जिसकी वजह से उसको वीर चक्र मिला था। हमें बहुत दुख है इसकी जो एक्सीडेंट की वजह से शहीद हुआ है, बहुत ही अफसोस हुआ है। लेकिन साथ साथ में जो ना फौज की तरफ से उनको अंतिम विदाई के लिए इतने सैनिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि हम सब का एक मिसाल है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। इससे पहले भी जो ना हमारे बहादुर जवान काफ़ी कारगिल की लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे, लेकिन उस समय तो बहुत ही जो ना जगह जगह पर बॉडी को पहुँचाने थे, लेकिन फिर भी जो ना फौज उनके अंतिम संस्कार के लिए आए थे। लेकिन आज का ये जो हम नज़ारा देखा है, ये बहुत मिसाल की बात है कि इतना फौज यहाँ पर उनकी विदाई के लिए पहुँचे हैं। तो हमें बहुत अफसोस है कि हमारा बीच में हमारा एक बहादुर सिपाही हमसे जुदा होकर चला गया है। कारगिल वार में मुझे भी जो ना वीर चक्र मिला है, जो कि हम कारगिल लड़ाई का जीत का शुरुआत हमसे शुरू हुआ था चोरबल्ला के इलाके में, लेकिन उस की हालत अलग है। अभी आज जो ना बिल्कुल शांति काल में इसका एक्सपायर्ड होना एक्सीडेंट में बहुत ही हमें अफसोस के साथ ये हम यहाँ पर आए हैं। थैंक यू।